गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 4B। यूज ए रूलर एंड ए पेयर ऑफ कंपास ओनली। इसमें रूलर और पेयर ऑफ कंपास, यानी कि रूलर आपका ये है, दिस इज द रूलर एंड दिस इज द कंपास। यू हैव टू यूज दिस एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टू यू हैव टू ड्रॉ ऑल फिगर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग दैट हाउ वी मेक द एंगल ऑफ 60 का एंगल कैसे बनाते हैं, 30 का, 45 का, 90 का, 120 का, 75 का, ये एंगल कंपास की हेल्प से कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू दैट हाउ वी मेक एंगल ऑफ 60। तो इसमें पेंसिल में ऐसा थोड़ा सा खोलकर और पेंसिल की नोक को यहाँ रखना है, यहाँ, और रखने के बाद एक आर्क लगाना है ऐसे, ऐसे एक आप आर्क लगा देंगे। उसके बाद ये पेंसिल की नोक, अब ये हिलना नहीं चाहिए, अब ये हिलेगा नहीं, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सेम रहेगा। अब हम कंपास की नोक को यहाँ से हटा के यहाँ रखेंगे, ये यहाँ, तो ये एंगल जो बनेगा, दिस एंगल, ये आपका हो जाएगा 60 का, ये हो गया आपका 60 का। अब यहाँ रख कर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये हो जाएगा, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच देंगे 120 का हो जाएगा, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच देंगे तो ये 60 का हो जाएगा, और 60 ये है और ये 120 है। अब अगर हमें 90 बनाना है तो कंपास की नोक यहाँ रखकर हम 90 बना देंगे, यहाँ एक दूसरे को कट करेंगे, ये आपका 90 हो जाएगा, ये तो यहाँ से स्केल रख के सीधा बनाएंगे तो 90 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 का, और ये हो जाएगा आपका 120 का। तो ये एंगल आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया 60 का, ये 60 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हो गया आपका 90 का, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये आपका हो गया 90 का, और यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया 120। दी जा थ्री एंगल, मैंने एक ही फिगर में तीनों एंगल आपको बनाना बता दिया, वेरी सिंपल। अब हम वो 30 का बनाना, तो 60 का हाफ कर देंगे तो 30 का हो जाएगा। 60 का हाफ कैसे करेंगे, अब ये जो कंपास है ये जो इतना खुला हुआ है इसको थोड़ा और खोल लेंगे, थोड़ा सा और खोलेंगे, इतना खोल लेंगे। अब हमें 60 का हाफ करना है, हमें पता है कि 60 यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो एक बार कंपास की नोक यहाँ रखेंगे, ऐसे कंपास की नोक यहाँ रखेंगे यहाँ पर, और एक आर्क यहाँ लगाएंगे ऐसे, और एक बार 60 यहाँ रखेंगे, और फिर एक और इसको कट करते हैं, जहाँ इसने इसको कट किया है इस पॉइंट पर, ये आपका हो जाएगा 30 का एंगल, दिस इज एंगल ऑफ 30, ये आपका 30 का एंगल हो। अब आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे तो 30 का एंगल, तो 30 हो जाएगा, 60 का हाफ 30 हो जाएगा। अगर आपको इस 90 का हाफ करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हाफ करना है, तो एक बार कंपास की नोक रख के यहाँ लगाएंगे, और एक बार कंपास की नोक रख के नहीं, जहाँ वो कट करेगा एक दूसरे को, वो हो जाएगा 45 का, कितने का हो जाएगा 45 का। एक बार कंपास की नोक यहाँ रखेंगे ये, और एक बार फिर यहाँ रखेंगे, जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे ये, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 45 का, ये दिस एंगल हो जाएगा, ये 45 का एंगल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक 30 का, ये भी 30, ये भी 30, क्योंकि पूरा 60 था यहाँ तक, तो ये 30 का, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 का था, तो 90 का ढाई हो गया 45 इधर और 45 इधर। अगर आप प्रोटेक्टर से नापेंगे तो आपके सारे एंगल बिल्कुल सेट आएंगे। तो आई टेल यू 60, 30, 45, 90, 120, अब 50, 75 का, हाउ वी मेक द एंगल ऑफ 75। अब 75 का देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक 60 है, ये कहाँ तक 60 है, ये वाला, ये 60 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक है आपका 90, तो 60 देखिए आप, ये आपका एंगल है 60 का, ये 60 का एंगल है, और ये आपका है 90 का,
ये एंगल 90 का है, तो ये कितना एंगल बचा, 30 का बचा, क्योंकि यहाँ तक 60 है तो ये 30 का बचा। अब 30 का अगर हम हाफ कर देंगे, इस एंगल का अगर हम हाफ कर देंगे कंपास की नोक एक बार यहाँ रखकर एक आर्क लगाएंगे, एक बार यहाँ रखकर एक आर्क, तो ये हो जाएगा इस एंगल का हाफ, ये इस एंगल का हाफ ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 और 15 ये, तो 60 यहाँ तक और 15 ये, तो ये हो जाएगा पूरा 75। इसको आप बना के देख लेंगे, कैसे बनाएंगे, पहले आप कंपा एक लाइन खींचेंगे, कंपा पेंसिल लगाकर एक आर्क ऐसे लगाएंगे और फिर यहाँ से ये आर्क लगाएंगे पहला, ये हो जाएगा 60 का, फिर यहाँ से रखेंगे एक आर्क दूसरा लगाएंगे, ये हो जाएगा 120 का, और फिर यहाँ रखकर इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 90 का, तो ये आपका 90 का हो गया, ये आपका 60 का हो गया। तो अब हमें ये आपका हो गया 60 का, ये एंगल 60 हो गया और ये एंगल 90 हो गया। अब इसका इसका यानी कि 30 का हाफ करेंगे, तो 30 का हाफ करने के लिए कंपास की नोक एक बार ये रखेंगे यहाँ, एक आर्क यहाँ कटेंगे और एक बार यहाँ, और इसको इसको मिला देंगे, तो 60 यहाँ से यहाँ तक और 15 ये, तो 60 और 15 कितना हो जाएगा 75, तो दिस एंगल मे बी 75 डिग्री। एंड नाउ कम टू द एक्सरसाइज 4B, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी गिवन द फॉलोइंग, ए बी 5.4, ए सी 5 सेंटीमीटर, एंगल ए 45। इसको बनाने के लिए पहले इसकी रफ फिगर बना ली हमने, ये ए बी 5.4, ए सी 5 और ये 4.45 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले हम 5.4 की लाइन खींचेंगे, ये 5.4 की लाइन खींची हमने, अब यहाँ पर इस पॉइंट पर हम 45 का एंगल बनाएंगे, इसका नाम लिख लेंगे ए बी, क्या लिख लेंगे ए बी, और ए पॉइंट पर हम 45 का एंगल बनाएंगे। 45 का एंगल बनाने के लिए आपको पहले 90 का बनाना पड़ेगा, फिर उसका हाफ करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर ये हो गया 60, यहाँ रखेंगे तो 60, यहाँ रखेंगे तो 120 और फिर यहाँ रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 90 का एंगल, ये डॉटेड लाइन। पर हमें तो 45 का बनाना है, तो आप 90 का आधा कर देंगे, ये 90 का आधा ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45 का एंगल। अब ये है आपकी लाइन 5 की, कंपास की नोक यहाँ रखकर 5 का डिस्टेंस लेकर स्केल की हेल्प से कंपास की नोक रखकर एक आर्क यहाँ लगा देंगे, तो ये पूरा हो गया 5, यहाँ से यहाँ तक 5, और इससे इसको आप मिला दें, ये ट्रायंगल आपका तैयार हो गया, ये 45 का एंगल हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये 4.4 सेंटीमीटर हो गया। इन दिस वे यू कैन मेक ऑल द पार्ट ऑफ फर्स्ट, आई हैव डन फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यू कैन ड्रॉ, ये आप बना सकते हैं। इन सेकंड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी, बी सी 6.5 सेंटीमीटर, एंगल बी 60, एंगल सी 30, मेजर एंगल ए, ये आपको बनाना है। वेरी सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ ए रफ फिगर, तो ये आपको बनाना है, बी सी 6.5 सेंटीमीटर, एंगल 60, ये 30 और एंगल ए को नापना है। तो पहले 6.5 की लाइन खींचेंगे, ये आपकी होगी 6.5 की लाइन, इसके बाद इस यहाँ पर 60 का एंगल बनाएंगे, वेरी सिंपल, यहाँ 60 का एंगल बना देंगे, तो ये 60 का एंगल हो गया कंपास से, और यहाँ 30 का बनाना है, ये लिखा है 30, तो 60 का बना के उसका हाफ कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 30 का एंगल, यह हो जाएगा 30 का एंगल, कितने का 30 का। तो 30 का बनाने के लिए पहले आपको 60 का बनाना पड़ेगा, ये 60 का बना के जब उसका हाफ करेंगे तो 30 हो जाएगा, और ये आपका है बी सी, ये लाइन है बी सी, और यहाँ रख लेंगे आप ए, ये ट्रायंगल हो जाएगा ए बी सी, और जब ये 60 का एंगल है 30 का, और जब इसको आप मेजर करेंगे तो 90 का आएगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180, तो 60 का ये है, 30 का ये, तो कितना बचा 90, इसको निकालने के लिए दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे, 180 में से इन दोनों को ऐड सब, यानी कि 90 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90, तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो एंगल ए आएगा 90 डिग्री का। सिमिलरली यू कैन डू दिस क्वेश्चन आल्सो, कंस्ट्रक्टेड एंगल ए बी सी, एंगल ए 60, एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी 60 का है और ए बी 6 सेंटीमीटर है, मेजर द साइड बी सी एंड सी ए, वेरी सिंपल, आपको पहले ए बी 6 सेंटीमीटर खींचना है, ए बी आप 6 सेंटीमीटर खींचेंगे, ये ए बी आपका 6 सेंटीमीटर, उसके बाद यहाँ इस पॉइंट पर 60 का एंगल बनाएंगे कंपास से, और इस पॉइंट पर 60 का एंगल बनाएंगे, और जहाँ एक दूसरे को मिलेंगे वही आपका पॉइंट हो जाएगा सी, ये आपका है 60 का एंगल और ये आपका 60 का एंगल। जब और इसने कहा है कि ए सी को और बी सी को नापेंगे, तो जब ए सी और बी सी को नापेंगे तो ये भी 6 आएगा,
ये भी आपका क्या आएगा 6, ये भी आएगा और 6 ये भी आएगा, क्योंकि ये 60 का है 60 का, तो ये थर्ड एंगल कितने का बचा, ये भी 60 का आएगा, क्योंकि तीनों का समान 80 होता है। तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है, जब ये 6 है तो ये भी 6 होगा और ये 6 होगा। आप इसको स्केल से नाप के देख लीजिएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल एबीसी, एबी 5 सेंटीमीटर, बीसी 4, सीए 3 सेंटीमीटर, मेजर एंगल एसीबी। अब आपको ये बनाना है, ये 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये तो फिगर बना लिया, अब इसको बनाना है। तो पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन, कंपास में 3 का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से कंपास में 3 का डिस्टेंस काटेंगे, और कंपास में 4 का डिस्टेंस लेंगे, वो यहाँ कट करेंगे इसको, और इससे इसको मिला देंगे, यहाँ कट करेगा, इसका नाम ए बी है और ये आपका सी है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है और ये आपका 4 सेंटीमीटर है। अब इसने कहा है मेजर एंगल ए सी बी, ए सी बी को आप नाप, तो प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको नापिएगा, तो जो भी आएगा इसका, इसकी वैल्यू ऐसे 90 आएगी, कितनी आएगी 90, पर आप प्रोटेक्टर से नाप के देख लेंगे कि हाउ मच, ये कितने डिग्री का एंगल होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 का होता है, ए बी सी सच दैट द साइड फॉर्मिंग द राइट एंगल आर ए बी 7 और ए सी 6। ए बी की लाइन खींचेंगे 7 सेंटीमीटर की, यहाँ 7 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे ए बी, और उसके बाद पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बना दिया आपने, और उसने फिर कहा है ए सी आपका है 6 सेंटीमीटर, ए सी यहाँ से कंपास की नोक रखकर और 6 का डिस्टेंस लेकर ये आप ऐसे कट कर देंगे, ये 6 हो गया पूरा यहाँ तक, और उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ए बी, और यहाँ रख देंगे दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 का होता है, इसमें 3 एंगल हैं, 1, 2 और 3, तीनों में से एक एंगल 90 का होता है, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर। इसमें कहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, वेरी सिंपल, इसमें जो सबसे आसान है 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए, और कंपास में 5 का डिस्टेंस लेके एक आर्क यहाँ और 5 का डिस्टेंस लेके एक आर्क यहाँ, इसको उसको मिला दीजिए, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 7, कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल ए बी सी सो दैट बी सी आपका 6 और बी एंगल ए 75 का है, ये वाला दिस क्वेश्चन, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बी सी 6 सेंटीमीटर, तो पहले बी सी इसकी रफ फिगर बना ली, ए बी सी बनाना है 6 सेंटीमीटर है, 45 और 75 और ये एंगल सी है, तो पहले आप इसको बनाने के लिए 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे बी सी 6 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट पे 45 का एंगल बना देंगे, 45 का कैसे बनेगा, 90 को बना के उसका हाफ कर देंगे, ये 45 का एंगल हो जाएगा, अब 45 का बन गया, और ये आपका है 75 का, ये मालूम नहीं है, अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा 120, और 180 में से 120 गया कितना बचा 60, यानी कि ये एंगल 60 का है, तो इस पॉइंट पे आप 60 का एंगल बना देंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास, कंपास की हेल्प से हम 60 का एंगल बना देंगे, और जहाँ ये तुमने 60 का एंगल बना के लाइन खींची, जहाँ ये कट करेगा इसको, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप 75 का हो जाएगा, इसको आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 75 का अपने आप ही बन जाएगा, तो वेरी सिंपल है, तो पहले 6 सेंटीमीटर की लाइन, फिर 45 का एंगल यहाँ बनाएंगे, 60 का एंगल यहाँ बनाएंगे, और ये 75 अपने यहाँ हो जाएगा, और फिर यहाँ ए लिख देंगे, ए बी सी दिस इज द कंप्लीट एंगल, ये आपका कंप्लीट ट्रायंगल हो गया, ये इस तरह से ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल बन जाएगा। तो इन दिस वे यू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 4B, आई हैव सॉल्व ऑल क्वेश्चन, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन देन यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। You can call me on my WhatsApp number or calling number. किसी भी फिगर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको कंस्ट्रक्शन आप बना के अपनी कॉपी में काम पूरा कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।